नमस्कार मित्रांनो, माझे नाव जानवी राजेंद्र तांबुटकर यत्ता सावी। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मैं अपना नाम। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम सभी भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था। भारत देश को आजाद करने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया था। दोस्तों, आज हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं कि हर दिन महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर, पंडित नेहरू, ऐसे सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। दोस्तों, हमारे देश के जवान वीर मातृभूमि सीमा पर खड़े हैं, मातृभूमि सीमा के रक्षण के लिए खड़े हैं। आजादी के बाद हमारे देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है, पर यह भी सच है कि अभी भी हमारा देश आतंकवादी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करना होगा। 15 अगस्त हमारे देश के गर्व, सौभाग्य और सम्मान का दिवस है। अंत में मैं अपने भाषण का समाप्त एक शायरी से करना चाहूंगी। तिरंगा लहराएंगे, भक्ति गीत गुनगुनाएंगे, तिरंगा लहराएंगे, भक्ति गीत गुनगुनाएंगे, वादा करते इस देश को दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे, वादा करते इस देश को दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।